मोदी सरकार से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं, इस बात को लेकर आज भी बहस गर्म है। अब विवाद विदेश सचिव एस जयशंकर के बयान को लेकर हो रहा है। ये बयान है क्या, इसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है, आइए बड़ी बातें आपको बता दें। विदेश सचिव बोले, पहले भी हुई सर्जिकल स्ट्राइक, ये दरअसल उन्होंने विदेश मामलों से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष कहा, ऐसी जानकारी मिल रही है। इससे पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कह चुके हैं कि पहले ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक कभी नहीं हुई और इसी वजह से अब विवाद खड़ा हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि ये बताया जाए कि रक्षा मंत्री सच्चे हैं या फिर विदेश सचिव। हालांकि बाद में यह भी स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आया है, सरकार के सूत्रों की तरफ से, कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक को सार्वजनिक किया गया है, पहली बार राजनीतिक पार्टी जो कि सत्ता में है उसने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हरी झंडी दी, ऐसा पहले नहीं हुआ था। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आई है कि अगर पहले स्ट्राइक हुई होगी तो सिर्फ सेना को इसके बारे में पता होगा, देश को इसकी जानकारी पहले नहीं दी गई। और अब आपको दिखाते हैं कि संसदीय समिति की बैठक में सूत्रों के हवाले से विदेश सचिव ने क्या कहा था। एस जयशंकर ने यह कहा कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुआ, यह पहली बार है जब सरकार ने सार्वजनिक रूप से इसे माना है। और यह विवाद सामने आने से पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा था, सुनिए। एंड फ्रॉम व्हाट एवर आई हैव लर्नड, देयर इज नो सर्जिकल स्ट्राइक एनी टाइम अर्लियर। ओके, what probably they are quoting are what is called as action taken by border action teams. Correct. These are common practices across globe and also in Indian Army, right, that a local commander sometimes takes action against a punitive action against a opponent who has been troubling him. That's right. To settle the score, it's not an official action of the approved by the government and therefore it is called as covert operation. There is deniability without knowledge of anyone. अब कांग्रेस पूछ रही है कि कौन सच बोल रहा है, रक्षा मंत्री या विदेश सचिव। संसदीय समिति की बैठक में शामिल कांग्रेस के नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि अगर बैठक की बातें बाहर आई हैं तो ये भी गंभीर मामला है। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक वो पूरी तरह गोपनीय होती, उसकी कार्यवाही के बारे में बाहर कोई चर्चा करना नियम के विपरीत। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि कल हुई बैठक की कार्यवाही के बारे में आज अखबारों में मैंने जो कुछ भी देखा वो शब्दशः रिपोर्ट अखबारों तक कैसे पहुंची, मुझे इस बात पर आपत्ति। तो सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीतिक हलकों में घमासान जारी है।